वेल गाइस, मैं अपना वीडियो मोबाइल पे देख रहा था एंड आई वाज जस्ट वॉन्डरिंग कि मैं इस वीडियो को किस तरीके से दिखाऊं, किस तरीके से एडिट करूं। वैसे आपको टाइटल से तो पता ही चल गया होगा कि आज का वीडियो क्या होने वाला है। सो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। वेल, बद्रीनाथ पे मैंने अच्छा से ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि आई वॉज सो एग्जॉस्टेड, बहुत ही लंबा सफ़र था इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। सो दूसरा ये भी रीज़न है कि वहाँ पे मुझे थोड़ा सा रेस्ट लेना था, थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए था, सो इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो पे फोकस नहीं दिया। और ये भी रीज़न है कि वहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, इसके वजह से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो गया था। चलिए अब बात करते हैं बद्रीनाथ टेम्पल की। So guys, this is one of the famous Badrinath temple in Uttarakhand. So you can see the people out here, all the pilgrims are gathered here. So now we're gonna take some darshan. Badrinath temple is dedicated to Lord Vishnu. It is located in the town of Badrinath in Uttarakhand, which lies in Garhwal hills in Chamoli district along the Alaknanda river. और बेसिकली बद्रीनाथ टेम्पल जो है ये पिलग्रिमेज साइट्स है और इसको चार धाम भी कहा जाता है और ये खुला रहता है 6 महीनों के लिए, फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर, और विंटर में ये बंद रहता है क्योंकि यहाँ का जो वेदर कंडीशन है बहुत ही एक्सट्रीम हो जाता है और बहुत हैवी स्नोफॉल होता है। अगर आप बद्रीनाथ टेम्पल पे जाते तो आपको टप्ट कुंड में नहाना चाहिए। ये टप्ट कुंड क्या है? बेसिकली टप्ट कुंड जो है इट्स अ नेचुरल हॉट स्प्रिंग वाटर, पानी गर्म रहता है, विच इज़ अबाउट 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और इस मंदिर का ये नियम है कि आपको मंदिर के अंदर जाने से पहले इस कुंड में आपको नहाना पड़ेगा। और यहाँ पर जेंट्स और लेडीज़ के लिए अलग अलग एरियाज बनाए गए हैं जहाँ पर आप नहा सकते हैं। यहाँ पर नहाने के बाद इट वॉज सो रिजुवनेटिंग, इट वॉज सो रिलैक्सिंग। और कहा जाता है कि इस पानी में स्नान करने से पूरे स्किन डिज अच्छी हो जाती है। नहाने के बाद हम लोग मंदिर के अंदर गए और वहाँ पे दर्शन किए, और वहाँ पे इट वॉज अराउंड 5 to 6 PM इन द इवनिंग और वहाँ पे आरती का समय हो रहा था, तो इट वॉज लाइक रियली गुड वाइब्स, बहुत ही मतलब एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर अच्छी हो रही थी वहाँ पे। हम लोगों ने वहाँ पे पूजा की, प्रसाद भी चढ़ाए, थोड़ी देर के लिए वहाँ पे बैठे रहे
और शाम होने के कारण हम लोग निकल पड़े मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए. सो वहाँ पे हम लोग मार्केट एक्सप्लोर कर रहे थे, सोविनर्स भी खरीदे. और जैसे कि ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ व्हाट आई गॉट फ्रॉम बद्रीनाथ. फोटो फ्रेम है बद्रीनाथ के. सो गाइस, बद्रीनाथ का जो एक्सपीरियंस था बहुत ही अमेजिंग था. सो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ. सो गाइस, इफ़ यू लाइक माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग. जय बद्री विशाल.